गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं। अमर उजाला हिमाचल प्रदेश। सबसे पहली न्यूज़ है, कोरोना बंदिशों के बीच हिमाचल में आज से शुरू होंगे श्रावण अष्टमी मेले। नेक्स्ट है, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का मुद्दा जब वो उठाया, अनुबंध कर्मचारी संगठन ने सीएम को बताई समस्याएं, चुनावी वायदा पूरा करें सरकार, अनिल सेन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं हटाए जाएंगे एसएमसी शिक्षक, तो कंसा चौक में शिक्षक महासंघ के कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कि नहीं हटाए जाएंगे एसएमसी शिक्षक, 50 साल में 50 वेंटिलेटर नहीं लगा पाई कांग्रेस, जयराम ऐसा बोल रहे हैं। जयराम जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कॉलेजों में अब तक जो वो 54 शिक्षक 80 विद्यार्थी हो चुके हैं संक्रमित, तो आप यहाँ पे देखते हैं 6 शिक्षकों ने गवाई जान, 52 छात्र 2 अगस्त के बाद हुए कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मंत्रियों व अधिकारियों के कार्यक्रम में पर्दों पर ही 3.5 लाख जो वो खर्चे हो चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, हैरत, निर्माण कार्य 150 से अधिक एजेंसियों व फर्मों से करवाए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अलविदा टोक्यो, अब पेरिस में खेलेंगे, तो टोक्यो में जो वो पदक विजेताओं की आप भगत करेगा हिमाचल, तो सीएम ने दिया न्योता, मनपसंद होटल व स्थान पर ठहर सकेंगे, घूमने फिरने का खर्च भी मंच सरकार वहन करेगी इनका, तो खिलाड़ियों को ओलंपिक में देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दी बधाई। तो आप यहाँ पे जो इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोरोना महामारी के बीच 23 जुलाई से शुरू हुए, ठीक है, आप पूछा जाता है कब शुरू हुए थे, 23 जुलाई टोक्यो ओलंपिक का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया, ठीक है, 23 जुलाई को जब इसका समापन हो गया, सॉरी 23 जुलाई को नहीं, 23 जुलाई को जब वो शुरू हुए थे और रविवार को, ठीक है, रविवार जो कि पिछला संडे था, ठीक है, अभी तो इसको जब वो खत्म हो गए, तो ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पढ़िए जरा, 39 स्वर्ण के साथ अमेरिका पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा, तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्थान पर कौन रहा, तो अमेरिका रहा। कुल पदक जीतने के मामले में भी वह 113 पदकों के साथ सिर्फ शीर्ष पर रहा। अगर हम कुल की बात करें, देखिए जो 39 है जो वो गोल्ड है, गोल्ड किसने सबसे ज्यादा जीते, अमेरिका ने, और सबसे ज्यादा पदक भी अमेरिका ने जीता, वह अकेला देश रहा जिसने पदकों का शतक जो पूरा किया, ठीक है, मतलब कि वह 113 मतलब कि शतक पूरा कर दिया, 100 से आगे हो गया, तो वो एकमात्र है जो कि अमेरिका है। बाकी यहाँ पे लिखा है 10 देशों में अपने स्वर्ण पदकों की संख्या को दोहरे अंकों में पहुंचाया, जबकि 5 देश ऐसे रहे जिन्होंने कुल 50 से ज्यादा पदक जीते, तो 5 देश ऐसे हैं जिसने 50 से ज्यादा पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए 19 तक कर सकते हैं आवेदन, तो वन विभाग में जो 311 में जो पदों की भर्ती होनी है, सितंबर में होगा फिजिकल टेस्ट जिसका, तो यहाँ पे लिखा है कि वो 19 अगस्त तक जो वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। नेक्स्ट लिखा है, पुरस्कारों के लिए नाम तय है, घोषणा नहीं हुई। नेक्स्ट है, एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने पर विचार करेगी सरकार, तो कंसा चौक में जो को ऐसा बोला, स्कूल कॉलेजों के मेधावियों को टैब या स्मार्ट मोबाइल फोन देगी सरकार, लैपटॉप देने की योजना में होगा बदलाव, लाभान्वित अधिकारी की बढ़ेगी संख्या, तो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव जो वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अब एसएसए करवाएगा दाखिले, स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं और थर्ड जेंडर बच्चों के दाखिलों की चलेगी मुहिम, तो आप यहाँ देखते हैं राहत, कोरोना काल के दौरान जो पढ़ाई में वित्तीय संकट भी नहीं बनेगा वादा, आयु के हिसाब से देना होगा कक्षा में प्रवेश, केंद्र की ओर से निर्देश जारी, एसएससी को सौंपी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये जो एसएससी होता है इसका मतलब होता है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, खेल मेरी प्लानिंग मैं था ही नहीं, सॉरी खेल मेरी प्लानिंग में था ही नहीं, तो ये वो रहे हैं जो कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो वो एक गोल्ड जीता है, सबसे पहला गोल्ड, ठीक है, नीरज पर जो वो पैसों की बारिश हो गई, ठीक है, हरियाणा सरकार 6 करोड़ दे रही है, पंजाब सरकार 2 करोड़, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, ओके बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कोरोना के मामले बढ़े तो फिर लौटेगी बंदी से, मंडी में जनसभा में के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत, कहा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रयास कर रही है सरकार, अगर कोरोना
की जो वो मामले बढ़े तो फिर से लगेगी बंदिशें, तो ऐसा जयराम ठाकुर ने बोला है। एनपीएस पर नए टैक्स स्लैब में भी ले सकते हैं आयकर छूट का लाभ। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंक से असंतुष्ट 12वीं के छात्र आज से कर सकेंगे आपत्तियां। तो अगर आपके आपको जो वो अंक कम है या आपको जो वो कुछ डाउट है तो आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेईई मेंस के एसटी वर्ग में तरुण देश में जो वो अव्वल है, तरुण देश में अव्वल है, कहाँ से है? केलांग लाहौल स्पीति से है। जेईई मेन की परीक्षा में लाहौल स्पीति के छात्र तरुण ठाकुर ने एसटी वर्ग में पूरे देश में टॉप किया है। मेन्स की परीक्षा में तरुण ने 97.90% अंक हासिल करके जो रिकॉर्ड कायम रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में जो वो 21 विद्यार्थियों सहित 187 नए पॉजिटिव केस, एक की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ने लगे मामले, 172 ने दी महामारी को मात। नेक्स्ट है, 68 केंद्रों में हजारों ने दी जूनियर इंजीनियर स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा। तो ये थी हमारी लास्ट न्यूज। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।